हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे बी हैप्पी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज आप लोग मेरे बी हैप्पी चैनल को सब्सक्राइब कर दे और जितना हो सके उतना आप मेरे वीडियोस को शेयर करें गाइस। सो आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ स्किन व्हाइटनिंग के लिए कुछ मैं टिप्स बताने जा रही हूँ, कुछ मतलब होम रेमेडी बताने जा रही हूँ, जिससे अगर आप अपने फेस पे अप्लाई करते हो ना तो आपका स्किन व्हाइटनिंग होने में बहुत हेल्प होगा और बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर जिसका स्किन थोड़ा सा मतलब कलर डार्क है, अगर थोड़ा कलर फेयर करना चाहते हैं तो ये होम रेमेडी जो मैं बता रही हूँ अगर ये करेंगे ना लगातार वीक में 3 बार अगर लगाते हैं ना तो 1 महीने के अंदर उनको रिजल्ट बहुत अच्छा मतलब दिखेगा। तो गाइज ना मैं यहाँ पे कुछ बोल रही हूँ, जो स्किन जिसका डार्क रहता है जिनका फेयर रहता है उन पे मैं कुछ ही कमेंट नहीं कर रही हूँ, बट हर लड़कियों का नीड होता है तो अपना ब्यूटी का ख्याल रखे, ब्यूटी को देखे, ब्यूटी को अच्छे से निखारे, तो इसलिए मैं जस्ट बता रही हूँ। सो गाइज चलिए मैं बताती हूँ क्या क्या है। तो गाइज सबसे पहले आप मुल्तानी मिट्टी ले ले। मुल्तानी मिट्टी में 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी, 1/2 चम्मच बेसन, फिर 1 चम्मच दही और फिर थोड़ा एलोवेरा जेल एंड 2 से 3 बूंद गुलाब जल मिलाएं, मिलाकर पेस्ट गाढ़ी पेस्ट बना ले। अच्छे से गाढ़ी पेस्ट बनाने के बाद अपने चेहरे पे अच्छे से अप्लाई कर ले। ध्यान रखें ये आंखों के इधर आप ना लगाए, अप्लाई ना करें, इधर फेस पे ही अप्लाई करें। अगर आप चाहो तो 2 से 3 बूंद नींबू का रस भी डाल सकते हो, तो डाल के पूरा अपने नेक एरिया हो गया ये सब मतलब अच्छे से आपने पैक लगा लिया। अगर पैक बचता भी है तो अपने हाथों पे भी आप उसे लगा सकते हो, सूखने तक उसे छोड़ दे 15 से 20 मिनट के 15 से 20 मिनट तक। देन उसके बाद हल्के थोड़ा हाथ से पानी ले ले हाथ में और हल्के से पहले उसको मसाज कर ले, रफ कर ले, फिर उसे अच्छे से फ्रेश वाटर से आप वॉश कर ले और फिर अपना स्किन देखे कितना अच्छा सॉफ्ट एंड आपके जो स्किन का कलर था पहले उससे थोड़ा डिफरेंट दिखना शुरू हो जाएगा अगर आप लगातार करोगे तो। गाइज ये रहा मेरा आज का टिप्स। अगर आप लोगों को पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक करके जाइएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितना हो सके उतना शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए फिर मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।